आज हमने दादी को बोल के अंश को पनिश करवाया ना, अभी देख नैमा भी हम लोग को डांटेगी और पनिश भी करवाएगी। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सोने का टाइम हो गया है ना, चलिए। चलिए सोइए चल के। लगता है सच में मेरे तीनों बच्चों को आज बहुत नींद आ रही है, किसी को कहानी नहीं सुननी। ठीक है, गुड नाइट। मम्मा मुझे सुननी है ना? अच्छा, और आप दोनों को? लो, मैं तो नई कहानी याद करके आई थी, पर ठीक है, कुछ लोगों को सुनने का मूड ही नहीं है। अंश तुम भी सो जाओ। मम्मा मुझे सुननी है ना? मुझे भी कहानी सुननी है। हमें नहीं सुननी है कहानी, नींद आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। एक बार राहुल को उसके पापा एक बड़े से महल में लेकर गए। वहां राहुल को बहुत पुरानी पुरानी चीजें मिली। वहां उसने देखा कि एक छोटा सा चिराग भी रखा है। चिराग जानते हो ना क्या होता है? तो राहुल ने उस चिराग को कस के रब किया, फिर चिराग में से कौन निकला? एक जिन। डरावना नहीं, मोटा सा, गोल गोल। उसके बाद राहुल ने उस जिन से एक विश मांगी। बाकी की कहानी मैं तुम्हें बाद में सुनाऊंगी, कुछ लोगों को यहाँ नींद आ रही है, तुम भी सोचो। मम्मा, राहुल ने जिन से फुटबॉल मांगा ना? हाँ, राहुल ने उस जिन से बड़ा सा फुटबॉल मांगा। सुनिए, खाना जी। मैं आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। जैसे दिल है
जैसे बरखा सावन है। जी, आपने खाना खा लिया? उस रब ने जब दिल दिए, दिल के दो टुकड़े दिए, दोनों पे एक नाम लिखा, एक राधा एक श्याम लिखा। अब ये दिल धड़कते हैं, दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। एक दूजे के वास्ते। सॉरी, आई एम सॉरी, पता नहीं यहाँ पे कैसे आ गई, मैं अभी ठीक से रख देती हूँ। आरती जी, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं कह रही थी कि मुझे पता है आपको हर एक चीज़ प्रिम एंड प्रॉपर चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारी चीज़ें अपनी जगह पर रहें। शुक्रिया। आप भी तो कुछ कह रहे थे। आरती जी, मैं ये कह रहा था कि मैं बैठ के फाइव साइड में ही सोता हूँ। एक्चुअली मुझे इसी साइड नींद आती है। मैं जानती हूँ।
खुश रहो बेटा। कल रात बहुत देर हो गई थी, खाना खाया था ना बेटा? जी माँ। कुछ परेशान लग रहे हो, मुझसे कोई बात करनी है? जी नहीं, पर क्यों? नहीं नहीं, कल पूरे दिन बस बात नहीं हुई थी ना, तो इसलिए। बहू आती रह लो। खुश रहो। अंश के साथ जो कुछ भी किया वो उसके भविष्य को सोचकर किया था। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर जिद्दी, बिगड़ैल और अपराधी बने। बच्चों को लाड़ प्यार करना जरूरी होता है बहू, पर जरूरत पड़ने पर उनके साथ सख्ती करना भी जरूरी होता है। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुमने अंश को अकेले पाला है। बहुत छोटी सी उम्र में बच्चे के सर से पिता का साया उठ गया और इसलिए तुमने अपनी सारी ममता उस पर निछावर कर दी, इसलिए लाड़ प्यार में थोड़ा सा बिगड़ गया वो। जितना जान पाई हूँ तुम्हें, उसे लगता है कि तुम बहुत सुलझी हुई हो। ठहराओ, गंभीरता है तुम्हें, पर बेटा तुम्हारे ये गुण अंश में नहीं है। तो क्या वो अपने पिता पर गया है? वैसे अंश के पिता थे कैसे? चाल चलन कैसा था उनका, बर्ताव कैसा था? अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे थे ना उनके? नहीं, मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि माता पिता के गुण आते हैं बच्चों में। अगर अंश तुम पर नहीं गया तो पिता पर गया होगा। खून का असर तो होता है। खैर, बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम पहले काम निपटा लो। कहीं जा रही हो तुम? लेट मी गेस, अपने मॉम डैड से मिलने जा रही हो, राइट? नहीं, मैं रेडियो स्टेशन जा रही हूँ, आज से ज्वाइन करना है मुझे। व्हाट? परी, लेकिन मैंने माँ से अभी बात नहीं की है, और बाऊजी भी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए, और उनकी एब्सेंस में वो जब घर पे थे तब तो तुमने बात की नहीं, और अब बहाने बना रहे हो। लेकिन स्वीटर, मुझे चांस भी तो नहीं मिला ना। चांस की बात कर रहे हो? मम्मी जी तो घर पे है ना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगी। नहीं परी, ऐसा मत करना, माँ नाराज हो जाएंगी, और कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर माँ बुरा मान गई तो तुम्हें जॉब नहीं करने देगी, प्लीज। ऐसे तो मिस्टर प्रतीक सिंधिया, आपने परी को पहचाना ही नहीं। मैं अपनी मक्खन बाजी से मम्मी जी को शिव पटा लूंगी और फिर आप जादू देखिएगा। जब तुम्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो टच क्यों किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया दादी, पर गलती से हो गया। दादी कल मैं